रीवा जिला प्रशासन के द्वारा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में विकास यात्रा नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निकाय के अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के बारे में एडीएम शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी लोगों को देना है और हितग्राहियों को चुनकर उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ देना है। आइए सुनाते हैं कि एडिशनल कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने क्या जानकारी दी। शासन द्वारा 5 से 25 फरवरी के दौरान विकास यात्राओं का एक क्रम पूरे प्रदेश में चलाया जाना है, जिसमें अलग अलग विधानसभा वार अलग अलग नगरीय निकाय क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग विधानसभा में सम्मिलित ग्राम पंचायत क्षेत्रों के हिसाब से प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास यात्रा को पहुंचना है और वहां पर शासन और सरकार की पिछले सालों की जो उपलब्धियाँ हैं उनको बताते हुए वहाँ के जो हितग्राही मूलक अभियान है उनकी जानकारी देते हुए जो शासन के हितग्राही हैं उनको चयनित करते हुए अभी मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जो हितग्राही थे उनका हितलाभ वितरण किया जाना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और अच्छा कार्यक्रम है, जिसका कि प्रशिक्षण आज सभी ब्लॉक के हमारे नोई ब्लॉक के लोगों को दिया जा रहा है। इसमें सभी 12 CMO हमारे उपस्थित हैं, आदरणीय नगर निगम कमिश्नर, CEO सर, जिला पंचायत कमिश्नर सर और कलेक्टर सर इसमें सहभागी हैं।